मेरे को याद है चॉकलेट डे, मुझे रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, टेडी बियर डे और वैलेंटाइंस डे। क्या सेलिब्रेट किए हैं यार, चाहे वो कोई भी डे हो। वैलेंटाइन डे अगर संडे को पड़ता था तो बहुत सेलिब्रेट किया। हमने वो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जिसमें वो बैंड वगैरह बांधते हैं, बनवाए। बहुत पॉपुलर थी पर एनीवेज नोबडी और डेयर टू कम। पॉपुलर थी, तुम पॉपुलर हो अभी भी? जी हाँ मैं हूँ, पर स्कूल तो तुम्हें ज़्यादा रोजेस आते होंगे, ज़्यादा कार्ड्स आते होंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। मुझे तो रोज डे काफ़ी पसंद है क्योंकि मुझे गुलाब काफ़ी पसंद है और मुझे गुलाब मिले भी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा रोज डे। आउट ऑफ ऑल द डेज मुझे वैलेंटाइंस डे ही बहुत पसंद है क्योंकि उस दिन हमारे स्कूल में कुछ ना कुछ अलग होता ही था, या तो कोई ना कोई तो पिटता था लड़का तो छुपा छुपा के मैं वो सब देखता, नोटिस करता था कि क्या क्या नई नई चीज़ें होती हैं और क्या क्या लोग करते हैं वैलेंटाइंस डे वाले दिन, तो वो सब चीज़ें बहुत ऑब्जर्व की हैं मैंने। नहीं यार, हमारे पास तो कभी लड़की नहीं आई, नहीं आई बी ऑनेस्ट, कोई लड़की नहीं आई कभी। हाँ मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने बहुत ट्राई किया है और आई थिंक वो लड़की समझ भी जाएगी जिसके ऊपर बहुत ट्राई किया है मैंने, लेकिन उसने कभी हाई नहीं करी, तो फिर क्या बात करनी इन बातों के बारे में। ये हमारा क्या है, देहरादून का एक लिंगो है कि बारिश आ रखी है वो जा रखा है, तो ये वो बहुत पकड़ते हैं, भयंकर बारिश हो रही है बार। अरे तुम भाई, मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो पता नहीं, तो जो आइडिया नहीं है तो क्या है इसमें कुछ, मतलब क्या बताएं, हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप फ्रॉम द डेट, आप तो ये एक्सपेक्ट करते हो यार कि जो सामने वाला बंदा है वो जो है वो ही सामने पोर्ट्रे करे, ऐसा कुछ एक कोई सामने शेल लगा के ना आए, हिपोक्रेट ना हो, बस जो है वैसा ही सामने दिखाए अपने आप को, रियल सेल्फ अपना दिखाए। Lint, I like Ferrero Rocher, I like new Dairy Milk Oreo, and I like Toblerone, but white Toblerone. बस I guess you guys can also continue. नहीं, मुझे वही चॉकलेट पसंद आती है जो मुझे कोई देता है, मैं कभी खुद से खरीद के कभी कोई चॉकलेट नहीं खाता, जो प्यार से मुझे देता है मुझे तो वही सबसे अच्छी लगती है। And I like Rick and Johnson, I like Carol and Ferrero, I like Jim Crass and Drums. These are the few chocolates that I love. Loud dictionary love. Oh yeah baby. Humne UK wale bhai. Swag. Don't ask me. I am single. I will promote breakups. Excuse me. So that she gets somebody to mingle up with. No, that's why she'll promote breakup. नहीं, कोई ब्रेकअप का ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए लाइफ में। देखिए, जैसे हम वैलेंटाइंस डे को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, मेरे ख्याल से 365 डेज होते हैं साल में, तो हर दिन को वैलेंटाइन डे ही समझना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम सिर्फ प्यार उसी दिन दिखाएंगे। नहीं, तो हर दिन को एक मोहब्बत वाला दिन मानना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में प्यार ही दिखाने वाली चीज़ है, तो उसको दिखाना चाहिए, भरपूर दिखाना चाहिए, और किसी एक दिन का वेट नहीं करना चाहिए, पूरा साल दिखाइए, ज़िंदगी भर दिखाते रहिए बस। सो अभी मैं जा रही हूँ छुट्टियों पे 4-5 दिन की, और मैं 14 फरवरी को यहाँ पे शूट करूँगी, सो इफ़ यू वांट टू मीट मी यू कैन कम ऑन माय सेट एंड मीट मी ऑन वैलेंटाइंस डे एंड प्रपोज मी। आई रियली विश यार लाइक नोबडी हैज प्रपोज्ड मी ऑन वैलेंटाइंस डे, सो आई वुड रियली लव इफ समवन लाइक someone would come all the way for me, you know, with the chocolates and roses and fully that dreamy in a Barbie world that someone will come with the chocolates, flower and propose, you will go on your knees and all of that. Barbie world banana thoda mushkil hai. Main to do baar kar hi chuka hu yaar Vividha ko propose, Atharva to do baar kar chuka hai isse pehle. Kyun nahi kar sakte? Kyun nahi karega ye? अभी बहुत मैं पर्सनल हो गया हूँ। लो मतलब बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, और शहर में ढिंडोरा। हाँ, तुम कहाँ इधर उधर दिमाग लगा रही हो? बहुत आई थिंक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल चुके हैं। इंडिकेशन अनाउंसमेंट है, शादी कर दो है, अनाउंसमेंट है।
अभी तो वैलेंटाइन है, इसका इसका जवाब नहीं दे पाएंगे बस ये। मैं तो लड़कों को बोलूंगा ट्राई मत करो यार, ट्राई करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वैसे स्वैग में रहें लड़की, थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर जाओ थोड़ा स्टाइल मार के बगल से निकल जाओ। नहीं, अप्रोच तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि शायद मना कर दे, तो नहीं करना चाहिए। जिनके कोई वैलेंटाइन है तो वो तो मेरे ख्याल से वो एक पे स्टिक रहें पहली बात तो। आजकल ही बड़ा उधर इधर मतलब मल्टीटास्किंग काफ़ी रहते हैं बंदे, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। और जिनका वैलेंटाइन डे नहीं मतलब वैलेंटाइन नहीं है वो मस्त काम करें, मस्ती मारें और क्या जिंदगी में। नो नो, यू आर करेक्ट, कीप इट लिटिल स्वैग गाइस एंड सो दैट यू नो गर्ल्स विल जस्ट टर्न योर हेड एंड लुक। कौन था जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? लड़कियों के लिए जरा स्वैग मत रखना। हां नहीं नहीं तुम भी लाइक लिटिल यू नो कीप इट दैट वे गेट।